च्युइंगम ही बना देते होंगे बच्चे का, वही करे जा रहा वही करे जा रहा वही। स्वागत नहीं करोगे हमारा? वन टू थ्री एंड गो, वी चैलेंज एवरीवन। आप ऑफिसर एनडीए से पास आउट होके नहीं बनेंगे। When you pass out of NDA, you will not be an officer. Remember this. You will be a cadet for your finishing academy. यानी finishing school जो आपका रहेगा. For example, अगर Air Force Academy है, तो Air Force में जाने वाले वहां से निकलेंगे, commission होंगे, officer बनेंगे. But NDA से Air Force wing वाला अगर निकलेगा, तो officer बनके नहीं निकलेगा. ये याद रखना है आपको. What happens at NDA for 3 years? क्या लगता है आपको? अब हम वापस एनडीए पे आ गए कि एनडीए में क्या होता होगा 3 साल? वो भी मतलब च्युइंगम ही बना देते होंगे बच्चे का, वही करे जा रहा वही करे जा रहा वही। फॉर 3 ईयर्स यू विल लिव इन द इमेज ऑफ यूनिफॉर्म। 3 साल आप यूनिफॉर्म की इमेज में रहेंगे। अब इसी कारण से जब मैं ओटीए या आईएमए से पास आउट होता हूं, ग्रेजुएट कहीं और से होने के कारण, सिर्फ मैं 1 साल की ट्रेनिंग करके आ रहा हूं, तो मैं एक स्पेसिफिक लेवल तक ही जाता हूं। लेकिन जब मैं एनडीए 3 साल बिता के 4th साल इन इंस्टीट्यूशंस में बिताता हूं, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी या आईएमए, और उसके बाद मैं निकल के आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन होता हूं, मैं सबसे टॉप लेवल तक जाता हूं। क्योंकि 3 साल जो ग्रेजुएशन के होते हैं वो मैंने सिविल लाइफ में नहीं काटे हैं, वो मैंने उस इमेज में काटे हैं जिसे फौजी कहा जाता है। तो फौजी इमेज में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप उम्र भर के लिए रीशेप हो जाते हैं। आप अपने गांव, देहात, घर, शहर, वट एवर यू लिव इन, सिटी में भी, सबर्ब्स में भी, वट एवर वे यू आर डिजाइन, वो उस डिजाइन को तोड़ देते हैं। दे ब्रेक इट, दे ब्रेक यू एंड देन दे रीमेक यू, दे रीमेक यू इन द फौजी मॉडल। ओके, नाउ यू जस्ट हैव टू लुक इन टू द मिरर एंड ट्राई एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ। ठीक है, थोड़ी देर शांति से स्वयं को देखें। इसके बाद की एक्सरसाइज है, बट पहले आप स्वयं को देखें। तो जो व्यक्ति आपको दिख रहा है मिरर में, उसके बारे में 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ठीक है, कि वो कैसा है। That's it. यहां पे खड़े होके आपने ये चीज बोलनी है, माई नेम इज, पहले तो जोर से, ठीक है, जैसे माई नेम इज, सो माई नेम इज पुरु एंड माई नेम बिकॉज, 3 रीजन। कितने रीजन? 3 रीजन। तो जो लिखे हैं उसमें से कोई 3 रीजन आप बता दें। Got it? Good morning everyone. My name is Priyanshu Kabarwan. Priyanshu. Priyanshu Kabarwan. My name is my name because I am a person who is shy in the beginning and then become very friendly to make myself comfortable. So I can push obviously my... Priya se, yani he is favorite of everyone. ठीक है? So he is favorite. So were you favorite of girls at your school? Sir, shy था ना, girls के साथ बातें करते ना जब। लेकिन तभी favorite हो गए ना? जब कुछ नहीं, जब कोई इंसान कुछ नहीं बोलता तो कहते चुप रहता है। बहुत सही। सो स्टार्टिंग में था फ्रेंडली। जब आपको पता होना चाहिए पति बनने का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि इंसान चुप रहा करे। सो यस, यू आर फेवरेट। टू द कैमरा योर नेम। माय नेम इज प्रियांशु कपरवान। ओके, वेरी गुड, सिट। स्वागत नहीं करोगे हमारा? माय नेम इज पंकज बिकॉज माय पेरेंट्स गिव दिस नेम टू मी। आई एम अ ओपन माइंडेड पर्सन, अ पर्सन हु कैन अचीव एनीथिंग ऑन हिज एबिलिटी, बट समटाइम आई कांट, बट ट्राई माई बेस्ट टू अचीव दिस। वेरी नाइस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? इट रिलेटेड टू लोटस। लोटस, ओके। सो व्हाट इज यूनिक अबाउट लोटस? लोटस औरों से अलग क्यों है? लोटस अलग क्यों है? लोटस मेनली आप लक्ष्मी से रिलेट कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की तो हम पे कृपा ही नहीं हो पाई कभी, खैर होगी। सरस्वती माता ने तो कृपा कर दी, बट कैसे अलग है दूसरों से लोटस? मड में लगता है, मड में जाता है। गौर करिएगा, ये लोटस फ्लावर है और मड में जाता है, मड से बाहर नहीं आता है। और मड से मड में होता है।
हाँ मतलब कीचड़ में ही होता है कमल, है ना? ओके प्लीज स्टेट योर नेम. माय नेम इज पंकज. वेरी नाइस पंकज, वेरी गुड.